नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में माफिया डॉन अबू सलेम को उम्र कैद, ताहिर मर्चेंट और फिरोज को फांसी की सजा। अलगाववाद के खिलाफ NIA का अभियान जारी, कश्मीर समेत 10 स्थानों पर छापेमारी। नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मकबरे पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीलंका दौरे में अंडर 17 टीम के भारतीय क्रिकेटर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। जमीन घोटाला मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को CBI का समन, दोनों से होगी पूछताछ। रांची से दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस, दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त इंजन और पावर कार पटरी से उतरे। निर्मला सीतारमण ने संभाली रक्षा मंत्रालय की कमान, कहा सैन्य तैयारी और जवानों के लिए काम पहली प्राथमिकता। BSF ने गुजरात तट के पास 14 और पाकिस्तानी नौकाएं पकड़ी, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के जुहू में गैस सिलेंडर विस्फोट, 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में शामली के भवन क्षेत्र में बस पलटने से 5 लोगों की मृत्यु, 20 अन्य घायल। मध्य प्रदेश में 3 माह में स्वाइन फ्लू से 44 लोगों की मौत, भोपाल और जबलपुर में सबसे ज्यादा मरीज। पाकिस्तान में एबटाबाद के हिंदू गर्ल्स कॉलेज की शिक्षकों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार, छात्राओं ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। इरमा तूफान का कहर, तबाह हुआ कैरेबियाई द्वीप सेंट मार्टिन, कम से कम 6 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।